आप पुराण की सड़क है, हमें निकाल दी। तो अब अगर मैं वापस बिछा दूं कि काल ने हो सके पीडब्ल्यूडी विभाग मन नहीं कह दे कि थे हमारी सड़क तोड़ दी है ना, तो गलती हो सके। 5 साल तो गारंटी ही, लेकिन 5 घंटा महीने में आप अपना रथ देखियो तो डामर तो है वो पूरा पूरा पग्गा ही जा रही हो। देखो ये रोड है, मात्र 5 दिन रात रात राजी हो यार, सुबह तो रोन ला गया, रोड तो टूटी पड़ी। जइये ना आता है तो वही उसी को दबाता है गांव वाले को, क्यों अनपढ़ लोग रहेंगे, बोलना किसी को आता नहीं है, और जो भी आता है उसको कहते हैं आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन असलियत में ये बरजू गांव के अंदर पूरा धोखा हुआ है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक, अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। दो हजार बाईस में लगभग आपा मान सका हाँ कि सड़का रो जो को विकास है वो 70% विकास है जो हुयो है। भारत माला सड़क की बात करा या फिर एक एक्सप्रेस वे है वा बन रही है, बीरो जिको निर्माण करो गयो है, बीरो निर्माण सिर्फ ई वास्ते करो गयो है ताकि जंगी जहाज है बे उतरिया जा सके और भारत रिज की इस तस्वीर है बस सुदृढ़ बनाई जा सके। लेकिन मोटी तस्वीर जो है निकल आ समय आ रही है कि गाँव में जो की सड़का बन रही है 70% सड़क बिल्कुल खस्ता हालात में है। आज बाई तस्वीर है जो मैं थार समय पेश करने वाला हूँ। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आ भीड़ तो की को नहीं, आ भीड़ तो बहुत कम है। इन लिपा से देखो और लोग बाग है जो आ रहा है जुड़ने कोशिश कर रहा है। कैमरा मैन ने कहूंगा कि एक बार दिखाओ इंटरेस्ट, देखो पूरे गांव रो गांव है बरजू, यानी कि थे कंफ्यूज ना होया, एक बज्जू है और दूसरो बरजू है, तो ओ है बरजू। बरजू है जो एक बहुत चर्चित पिक्चर है, जो सोल्जर पिक्चर, मेरा एपिसोड भी काफी आ चुका है, करनीसर गांव 10 किलोमीटर इनली साइड में। अब मैं बताऊंगा पहला, बाद में गांव वाला सु है जो बातचीत करूंगा। सब पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सड़क किया है, सड़क को निर्माण किया है, मैं बताऊंगा एक सेकंड मैं बता रही हूं थाने, कैमरा मैन ने कहूंगा कि नजदीक आवे। विशेष बात है कि इस सड़क रे मायने अभी तक 10 दिन होया है, खाली 10 दिन होया है, और अगर पुराण की सड़क है हमें निकाल दी, यानी कि वो जो उड़ रही है वो रेत है सारो, आप पुराण की सड़क है और रेत पड़ी है, साफ कौन करियो गयो इन्हें। तो अब अगर मैं वापस बिछा दूं कि काल ने हो सके पीडब्ल्यूडी विभाग मन नहीं कह दे कि थे हमारी सड़क तोड़ दी है ना, तो गलती हो सके ये वास्ते। तो अब आ हालात है सड़क की, मुख्य विशेष बात आ है कि इस सड़क के मायने पहली बार आ सड़क बनी है, डमरीकरण है, जब डमरीकरण व्यवस्था भी थी जद इस चेहरा पर काफी खुशियां आई, इस चेहरा पर का गम हा, वे गम एक पल रह लिए दूर जाता रहा, लेकिन 10 दिन बाद में जद आ डमरीकरण की व्यवस्था में चेंज होगी, जद आ रहा गम है जो वापिस आ गया। लेकिन धरातलू हमेशा मैं कवरेज करते रहूं, इस वास्ते धरातलू आज जो है वह कवरेज कर रहा हूं। तो आज आप बात करांगा कि इस सड़क ने बनाने कितना दिन होया है, बजट पूरा कितो है, कम से कम 1 करोड़ तो होगा ही होगा, तो कितनी मतलब पहला तो जानकारी दो। युवा उप सरपंच मतलब इन तो बुढ़िया बड़े रहा सरपंच उप सरपंच होता है ठीक है, अपन राज में सड़कनियां तो ठीक बनती। अब साहब रात दिन तो ऊपर में मतलब ये पहला सड़क बना रिया शानदार बना रिया, मतलब डामरीकरण पहला जो काम हो वो बढ़िया हो, तो मैं भी विश्वास पर रह गया, लेकिन ठेकेदार कहीं करियो कि भी विश्वास और वो फायदा उठा लियो और सड़क जो है रात्रि 2 बजे तक काम करियो, और 2 बजे काम कर पड़ा सुबह तो बे रवाना हो गया, फिर सुबह में आया आठ देखियो तो सड़क तो फिर ऊपर पापड़ पोली करोड़ी सारी, इन वास्ते फिर ग्रामीण सारा इकट्ठा होया, फिर वो मुद्दो है जो को चाल रही है। मैं बता दूं थाने कि आ सड़क ही 15 तारीख ने पूरी करी और 16 तारीख री सुबेरी में अठे आ गया, यानी 15 तारीख री रात्रि 2 बजे भी पूरी करी और सुबेरी में 16 सुबेरी आ गया मैं, यानी कि 5 साल तो गारंटी ही, लेकिन 5 घंटा महीने में अपना रथ देखियो तो डामर तो है वो पूरा पूरा पग्गा ही जा रही हो, तो फिर जो इरी आवाज उठाई बिल्कुल जायज आवाज अपने बीकानेर में मीडिया है जो समय समय पर उठा तो रही है, फिर रिस्पॉन्स कहीं मिलो था? रिस्पॉन्स अभी तक कुछ ही मिलियो को नहीं, अब यह कहो वो हो कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं इरी रिपेयरिंग करवा दा पाछी तैयार करवा दा, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स आयो को नहीं अभी तक। था एक सुने हो मारवाड़ी में गाणो कि जोधपुर को कपड़ो और सिड़ायो तकड़ो, तो मतलब एक कपड़ो तो वहां सिड़वा लियो, लेकिन इरी है मतलब पेनन पहले कार्य लगावनी स्टार्ट कर दी। सब मीठी थारी भाषा है, बीती तगड़ी सड़क तो है को नहीं, वही तो बी वास्ते ही तो मैं मतलब इरी हकीकत है बस सामने लावण वास्ते थाने भी बुलाया है। नहीं, सड़क मतलब स्तर पर कवरेज करके और लोगों ने बताओ सड़क थे बनती देखी, मतलब डमरीकरण पास हो गई, मोटा मोटा जुगाड़मेंट आ गया, मतलब एक टाबरंग में लग जाए अपने गाँव में सड़क, मतलब खुद ही हैरान हो गया कि जब शुरू ही नहीं डामरीकरण शुरू होने पहला मैं बैठ गयो बट जाऊं थे, मतलब मशीन इतनी खतरनाक चल रही थी, मैं तो बीर वगैरह ली और फिर फेसबुक पर डाल दी आज बरजू सड़क है स्टार्ट हो गई, मतलब गांव रहा हर बंदे रे चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुशी आ गई, क्या मतलब मेरा जन्म हुआ ना ग्रेवल सड़क की, तो मतलब लोग मायने एक इच्छा है कि अगली बार इस सरपंच ने बनावा तो हो सके सड़क पक्की बना दे, फिर मतलब अगलो MLA आ रही तो कांग्रेस ने बनावा तो हो सके सड़क पक्की हो जाए, लेकिन जिया क्या भी कर रहे
मंत्री साहब ने बनवायो और एकल कड़ियों कड़ी जोड़ के और आ सड़क पास करवाई, लेकिन लोगर जी के चेहरे पर खुशी ही, वो ठेकेदार को ईसो आयो वह पूरी पूरी खुशी छीन ले गयो। तो क्या राजी होया के बी दिन रात ने? रात ने राजी का यहाँ सुबह तो रोन ला गया रात रात राजी होया सुबह तो रोन ला गया रोड तो टूटी पड़ी हिसाब है। गांव में पहली बार मतलब मसीना वसीना देखी थे? पहली बार देखी। के लगे मतलब क्या रोटी कितनी खाई बी दिन रोटी रात ने तो घनी खाई, सुबह उल्टी होगी खाई हुई जी का बेकार होगी। तो ठेकेदारों और बात करने कोशिश की? मैं तो भाई ठेकेदारों करे मारो सरपंच, मैं तो इतना कोई आवी आको नहीं, मैं तो टब्बर हाँ, माने लोग के टब्बर अजी टब्बर हो? हाँ अजी टब्बर हाँ, मारा पिताजी गुजर गया तो मैं टब्बर में टब्बर हम बजाम टब्बर हम बजा टब्बर यहाँ कहना चाहो टब्बर हाँ या यहाँ कहना चाहो अजे तक जवान हो? केवे लोग केवे अभी अजे तक जवान हो? मैं तो जवान के हूँ लेकिन लोग के टब्बर है तू हाँ स्थिति है के वहाँ कहीं के कटे जमा दो के दे तो टब्बर आ जाए टब्बर हम कहीं थे हम किया मुल्को किया हो लारे खड़िया हाँ भाई कोई बोलो कोई उल्का का तो रोड ठेकेदार जयन साहब जी का मैडम लागुड़िया थे बा पहली तो रोड मिणती जने कहीं है के सही बनाई जने बोल आती जने एकदम ठोकर मार कर देती के सही को नहीं। अच्छा। अब बा आई है जो बा कहीं है के रोड के सही है सर तो सही क्यों यार रहते पर बिछाउड़ी रे डंबर तो इन पर छिड़कियो को नहीं और कच्चो माल दे दियो अब सामने पड़ी आठ टूट रही है बाबर टूट आगे टूट रही है लारे टूट रही है तो गलत रोड मिणगी काम है मतलब सारा ही जाने ताऊजी ठेके ही कहना चाहो प्रकरण पर। मैं ही प्रकरण पर ये कहना चाहूँगा पहले तो आपका धन्यवाद हो कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं वीडियो वाले को आप पधारे जलकाए बीकानेर सु और दूसरी बार यहाँ आम एप्लीकेशन लगाया जयन को दिया तो जयन कहने लगा कि एप्लीकेशन से क्या होगा तो मैं वो रास्ता बता दो वो कौन सा है जिस रास्ते से हम चले तो वो बोले कि रास्ता ये क्या है ये काम तो ठीक हो गया बढ़िया हो गया अब क्या है बढ़िया तो मैं तेरे सोच में रह गया क्योंकि विश्वासघात होगी पहले आमती ना ठोकर मार हटामती नहीं जन मैं लोग कहता कि आप बिल्कुल बापड़ी सही है नहीं सड़क सही है या कोई आम यही सही है भाई। अच्छा। अब ये रात रात में ये काम होया ना उसमें सुबह सारी ठंडी होगी क्योंकि ये तो टूटा हुआ मामला मिल गया फिर ठेकेदार को यहाँ मैं कहने लगा ठेकेदार को आप यादा क्या करोगे करोगे तो वो गोविंदराम को शिकायत करोगे गोविंदराम तो मैं जाता हूँ जब चल के मेरे सामने आ जाता है आप क्या करोगे इस ऊपर आप क्या करोगे? बात ठेकेदार जी की है बिल्कुल ठेकेदार ने ये बात की और मोतीगढ़ का एक मास्टर है उनके सामने ये बात की उससे भी आप पूछ सकते हैं और कोई भी गलत बात हो तो फिर वो कलेक्ट्री वजह से आए परसों पहले दिन आए वो आए पास करने के लिए मैं साहब ये क्या कर रहे हो कि हम इसका ले लें मतलब इसका ML लेंगे आप ML तो इसका ले रहे हो ठीक है 20 ML आप सही ले रहे हो लेकिन इसके नीचे जो रहता है और इसके नीचे बिल्कुल मतलब चिकनास है नहीं इसका क्या होगा साहब ये बताओ। वो सारे बोले कि इसका जो होना है वो हो गया अब हमारे बस में कुछ नहीं है हम तो इसको मतलब जांच करने के लिए आए हैं और जांच करके जाएंगे। हमने मुद्दे बहुत उठाए इसमें बहुत मुद्दे उठाए कि वो आज वो बीच में नहीं है सरपंच उस टाइम में हम लोगों को ये सड़क दी थी आज तक हम किसी ने देखी नहीं आज सारे झूठे मामले क्या है कि ये फॉर्मेलिटी के होने लग गए क्यों यहाँ लीडर कोई बड़ा है नहीं बोलने वाला जब कोई है नहीं और जो बोलने वाला आता है उनको जो कलेक्ट्री तरफ से आते हैं वो भी उसको दबाते हैं और कोई जयन आता है तो वही उसी को दबाता है गांव वाले को क्यों अनपढ़ लोग रह गए बोलना किसी को आता नहीं है और जो भी आता है उसको कहते हैं आप लोगों को पता ही नहीं है लेकिन असलियत में ये बरजू गांव के अंदर पूरा धोखा हुआ है और MP साहब MLA साहब वगैरह हैं ये सारे लोग आते हैं ठीक उस टाइम में आश्वासन देते हैं 3 आश्वासन दिए थे हम लोगों को सड़क का पानी का और स्कूल का ठीक है सड़क आइए तो ये भी मतलब नष्ट की तरफ पड़ी है और स्कूल आज तक 8वीं की हुई नहीं आज भी बच्चे पानी पी रहे हैं तो वो जा रहे हैं घर से पानी लेकर जा रहे हैं और पीछे के जो पानी की जो पैंप लेन आई है तो वो हमने बोले थे अपने MLA साहब के पास गए थे भाई ये पीछे लाखू सर से जो पूरी की लाइन टूटी हुई ये नलके लगाए हुए ये हटने चाहिए तो वो भी आज तक नहीं हटे हैं। बिल्कुल कितना करोड़ रुपया को बजट हो? बजट की बात करा तो बजट तो बहुत ही हो हाँ। यानी 1,36,55,963 रुपयों का बजट हो। अच्छा। हाँ अब या तो भगवान जाने या फिर वो ठेकेदार बहुत जाने कि ये ऊपर खर्च कितो करियो है गबन कितो करियो है तो कैमरा मैन ने कहूंगा कि एक बार बता दियो एक बार कितो खर्च करियो है मतलब ओ मैं पैर मार रही हूँ और थे देख लो आ सड़क है आ देखो कैमरा मैन में थोड़ा आग्रह करना चाहूंगा थोड़ी लंबी दिखाओ लंबी आ जाओ ए देखो ये रोड बने हुई है देखो हाँ। ये सड़क है देखो ये रोड हाँ। है मात्र 5 दिन पांच दिन
15 तारीख की रात को 2 बजे तक काम किया था यहाँ पर, और 16 को तो हमने मतलब आवाज भी उठा ली थी। हालांकि आप देख सकते हो कि ये सड़क किस तरह से है, नीचे देख रही हो ना। अरे अब तो ना तोड़ो, हैज की तो पड़ी रहने दो। एक और टुकड़ो है, इन पकड़ियो थोड़ा सा, दो आंगली लगाओ, सिर्फ दो आंगली लगाओ, तोड़नो है। हाँ देख लो, देख लो, मतलब दो आंगली मतलब टूट रही है मतलब सड़क। तो इन्हों तो पापड़ी भी मजबूत हुए, बिल्कुल पापड़ी मजबूत हुए, बिल्कुल मिट्टी की पापड़ी भी मजबूत हुए सर। हाँ मजबूत हो, मिट्टी की पापड़ी भी, गुड़ी पापड़ी खाई है, गोड़ी पापड़ी हो, बाबी मजबूत हो, बाबी ई रोड ना बाबी मजबूत हो। तो आ तस्वीर है जो मैं बताने की कोशिश करी है, 1 करोड़ ऊपर है जो रुपया लाग चुके इस सड़क पर। फिर जब थे शिकायत करी और जब मीडिया में न्यूज आई, ब्रेक हुई, जब की सुधार हो नहीं, अभी तक कोई सुधार को नहीं, आश्वासन दे रखे हो कि 3 दिन के अंदर अंदर कर देंगे, लेकिन 4 दिन हो गया, कोई रिस्पॉन्स है को नहीं। अच्छा। अब तक कोई रिस्पॉन्स आयो को नहीं, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं आयो कोई, तो मैं सारे आज हुजूम है, गांव की भीड़ है, इन सारी ले गए कलेक्टर के आगे जाऊंगो और बैठे धरना दूंगो। अच्छा ठीक है, जब तक कोई सुधार नहीं होगा। एक मिनट बैठे रहूंगा, राय ले लूं मैं थोड़ी सी। ए धरने की बात कर रहे हैं, धरने में सागे आगे कौन कौन है? एक जो पूरा गांव साथे है, क्योंकि आज गांव की उम्मीद ही, मतलब बहुत सालों की उम्मीद ही कि मैं फांटे हूँ गांव तक जुड़ जावा, एक पक्की सड़क हूँ, तुम्हारी जिंदगी ये कुछ आसान हो जाएगी। लेकिन यार जो उम्मीद ही नहीं, उम्मीद ही बन रहेगी। फिर ये गांव में जब आ सड़क आई, जब थाने बतायो भाई आ सड़क है जो अपनी आ चुकी है और सड़क को निर्माण है जो हो चुके, थाने विश्वास में किया लियो, मतलब किया है जिका सेक्शन लेटर दिखायो ना, तो विश्वास भी हो गयो। फिर वो जो बजट रो लेटर आयो भी ऊपर विश्वास हो गयो कि अब तो मतलब सड़क है वो पक्की बन भी जाएगी। लेकिन जब तक ये डामरीकरण पहला कार्य चल रही हो, शानदार चल रही हो, और माने भी उम्मीद है कि आज का सड़क है वो पूरे बीकानेर जिले में 1 नंबर बनेगी। कैमरा मैन ने कहूंगा ऊपर तस्वीर बता दे ला रहे हुजूम की, तो देख। लेकिन जी ही मतलब डामरीकरण और पूरा हुई और 15 तारीख 16 तारीख में आ देखियो, तो मतलब सड़क तो वहाँ पगों भी उखड़ रही है सड़क। तो स्थानीय विधायक स्थानीय नेताओं बात कौन करी? नहीं अभी तक स्थानीय नेताओं को तो सूचित नहीं किया है। बिया अगर बात करनी चाहवा तो मतलब बात तो सब तक पहुंच गई है। हाँ। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस आयो को नहीं, ना तो कोई राजनीतिक तरीके आयो और ना कोई प्रशासनिक तरीके आयो। और अगर बी सुधार नहीं उसी तो फिर मैं मुख्यमंत्री नाम लेटर भी भेजूंगा डाक के द्वारा, और प्रधानमंत्री के नाम भी मैं भेजूँ। और एक बात मैं बता दूं थाने कि जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं भी आवे तो मैं RTI लगा के और पूरा हिसाब भी ले सू, मैं एक एक रुपये हिसाब ले सू। जब ठेकेदार 2 बजे तक काम करियो जाते, पूछो को नहीं भी आज इतो लेट नाइट काम करने को मतलब के? पूछो गांव वाला पूछो तो बी की हो कि मैं वो लालच कर रही हूँ कि एक जारी बच जाए, माल ठंडा हो जाएगा कि गाड़ी आ गई है और गाड़ी में माल ठंडो नहीं हो जाए और मारी जगह अगले दिन की जारी नहीं लगे, भी बचाने वास्ते मैं वो काम कर रही हूँ। अब गांव वाला ने वो ध्यान को नहीं हो कि वो जो है पापड़ पोली कर रही है एकदम। PWD विभाग हूँ थे संपर्क करियो, PWD विभाग हूँ संपर्क करियो, बे सैंपल भी ले गया आठ हूँ, लेकिन अभी तक बीरो भी कोई रिस्पॉन्स आयो को नहीं। एक बात पूछना चाहते हैं कैबिनेट मंत्री, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि ये बरजू गांव आपके पहले फर्स्ट नंबर में है, इसकी देखभाल के लिए आपके आगे ये आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इतो ज्यादा शेयर करो, मंत्री जी तक आप बात जरूर पहुंचानी है। तो थाने कार्यक्रम पर कहीं कहना है ते कमेंट कर जरूर बताओगा और सागे सागे आपकी राय जरूर देगा। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।